और साथियों, मैंने ये इम्पोर्टेंट पेपर जो है, बहुत ही इम्पोर्टेंट पेपर मुझे लगा, इसलिए मैंने इस पेपर को सिलेक्ट कर लिया। ये पेपर ऐसा लगा कि इसमें से कुछ क्वेश्चंस मेरे बच्चों को मिलेंगे और ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे, जो GIC में आश्रम पद्धति का एग्जाम होने वाला है। ये पेपर मैंने कहाँ से लिया है आपको ये भी बता रहा हूँ। ये पेपर मैंने UPSC की वेबसाइट से डाउनलोड किया हुआ है। ये पेपर शायद 2014 का UPSC का है, वही पेपर मैंने डाउनलोड कर लिया है। तो आप लोग इस पेपर को आज ध्यान से करें, इनके क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को लगाने की प्रैक्टिस करिएगा। अगर नहीं आएंगे तो मैं आपको अपने ग्रुप पर जाकर के इसकी मदद करूंगा। ये PDF भी मैं आपको ग्रुप में प्रोवाइड करवा दूंगा। लेकिन आज हम लोग इस सेक्शन में, ये 200 नंबर का पेपर उसमें होता था, तो कितने नंबर का पेपर, यहां तो आपका 300 नंबर का पेपर है, लेकिन यही पैटर्न रहेगा, जहां तक अनुमान है मेरा, यही पैटर्न फॉलो करेंगे कौन, ये आपके GIC और आश्रम पद्धति वाले, क्योंकि ये UPPSC एग्जाम ही कराता है। जो PCS का एग्जाम कराता है वही UPPSC का एग्जाम कराएगा, इसलिए मुझे उम्मीद है कि पैटर्न लगभग यही फॉलो किया जाएगा। तो आपको मैं बता देना चाह रहा हूं कि अब हम लोग इस पेपर का एक एक क्वेश्चन डिस्कशन कर लेते हैं समय के अनुसार। पेपर का क्वेश्चन नंबर वन क्या है, मुक्त मूलकों में स्थायित्व की विवेचना कीजिए, मतलब डिस्कस द स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स एंड द अरेंज द फॉलोइंग फ्री रेडिकल्स। यानी कि एक तो बेंजाइल को अरेंज करना, एलाइल को अरेंज करना। बेंजाइल तो आप समझते होंगे ना, C6H5CH2, और उसके बाद एलाइल को भी समझते होंगे। एलाइल होता है और एक होता है विनाइल। एलाइल विनाइल में अंतर है, यहां पर SP3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, वहां विनाइल में SP2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। प्राइमरी अल्काइल, टर्शरी अल्काइल एंड टर्शरी अल्काइल एंड डाइफिनाइल मिथाइल। तो इन सबको आपको अरेंज करना है, उनके फ्री रेडिकल हिस्ट्री, यानी कि इनके फ्री रेडिकल्स तो आप समझते होंगे कि एक फ्री रेडिकल मैंने पढ़ाया भी है, बताया भी है, वो सब चीजें आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं दूसरे क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ड्रॉ द मोस्ट स्टेबल कंफर्मेशन ऑफ द फॉलोइंग। देखिए, मैंने पढ़ाया है, आज मैं इसलिए डिस्कशन कर रहा हूं कि मैंने ये बहुत सारी चीजें आपके लिए इसी चैनल पर दे रखी हैं, और इसीलिए मैं इस पेपर को उठा रहा हूं, क्योंकि ये पेपर मुझे बहुत ही पसंद आया कि इसमें से क्वेश्चन लगभग मिल जाने चाहिए। जहां तक मेरा अनुमान है, ये पेपर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाएगा, पक्की बात है ये। देखिए, एन ब्यूटेन का आपका कंफर्मेशन, ये कंफर्मेशन वाला क्वेश्चन मैंने करवा दिया था। कंफर्मेशन वाला मैंने PDF भी आपको, इसकी PDF भी प्रोवाइड करवाई है, तो PDF भी आप इसकी पढ़ लें, और इस पे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हो, ये GIC में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, आश्रम पद्धति में भी ये आ सकता है, इसलिए आप इसे छोड़ेंगे किसी कीमत पर भी नहीं। और रही बात कि इसके जो मॉडिफिकेशंस है, इथेन का आ सकता है, प्रोपेन का आ सकता है, वो सब पॉसिबिलिटीज है, लेकिन कंफर्मेशन एल्केन में से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। दूसरी बात हम लोग बात कर लेते हैं, जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द बेस एंड न्यूक्लियोफाइल। बेस और न्यूक्लियोफाइल में डिफरेंस, देखिए ये क्वेश्चन आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है कि आपको हमेशा यही पढ़ाया गया कि ऑल द लुईस बेसेस आर द न्यूक्लियोफाइल, यही पढ़ा होगा आपने। उसके बाद आपको ये बताया गया है कि यहां पर आपको ये डिफरेंस बता देना है कि आखिरकार डिफरेंस बेस में और न्यूक्लियोफाइल में क्या होता है। अगर आप बताएंगे कि तो हम समझेंगे, वाकई में आप अच्छी तैयारी कर रहे हैं। बेस में क्या डिफरेंस होता है, न्यूक्लियोफाइल में क्यों डिफरेंस होता है, बेस को न्यूक्लियोफाइल क्यों कहा जाता है, न्यूक्लियोफाइल को बेस क्यों कहा जाता है, ये सब बातें आपको बतानी पड़ेंगी। अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी, इनको आपको न्यूक्लियोफिलिसिटी के हिसाब से अरेंज कर देना है, वो ऑर्डर भी मैंने अपने इस चैनल पर समझाया हुआ है। निम्नलिखित युग्मों में किस प्रकार का विभेद किया जा सकता है, रासायनिक समीकरण लिखिए। तो एक तो मिथाइल साइनाइड है, एक आइसोसाइनाइड है, एक मिथाइल एमीन है, एक फिनाइल एमीन मतलब एनिलीन है। तो इस इनको डिफरेंस करना है, इनके लिए कार्बेलेमीन टेस्ट हो सकता है ना। इसी तरीके से नीचे वाली जो रिएक्शन है, इसमें आप इन दोनों में आप ये देख सकते हैं कि इन दोनों को किससे डिफरेंस कर सकते हैं। भाई ये हमने इथाइल एमीन ले लिया, ये 1 डिग्री एमीन है, और इसको अगर हम देखना चाहते तो ये भी 1 डिग्री में ही चला जाता है, लेकिन ये एराइल है और ये क्या है, एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है। अब इन दोनों में डिफरेंस आप करना है, तो ये क्वेश्चन भी, ये डिफरेंस जहां पर मैंने डिस्टिंग्विश बिटवीन द पेयर पढ़ाया हुआ, वहां पर ये पढ़ाया हुआ है, तो कहां कौन सी रिएक्शन अप्लाई होगी, ये चीज आपको बता रखिए। अब
गिव द रिएक्शन टू शो द एक्शन ऑफ द हीट ऑन अल्फा बीटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अल्फा बीटा हाइड्रोक्सी एसिड्स क्या होते हैं। पहले तो आप ये बताएं कि अल्फा बीटा हाइड्रोक्सी एसिड क्या होते हैं, उनके ऊपर क्या इफेक्ट होता है टेम्परेचर का, ये चीज आपको यहाँ पर समझानी पड़ेगी। उसके बाद ये पेपर मुझे बहुत ही समझ में आया कि नहीं, ये मुझे बताना चाहिए आपको पेपर। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है आपका, गिव गिव इन डिटेल द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ द मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड, मींस ये ग्रिगनार्ड रिएजेंट की प्रिपरेशन की जानकारी आपसे चाह रहा है। ग्रिगनार्ड रिएजेंट अब बीआर होता तब भी वही होता। शो द केमिकल, देखिए फॉलोइंग केमिकल रिएक्शंस, इट्स रिएक्शन विद द फॉलोइंग फॉर्मेल्डिहाइड से कराओगे तो आपको पता है कि 1 डिग्री अल्कोहल बनता है, और आपका कीटोन से कराओगे 2 डिग्री बनता है, और उसके बाद कीटोन से कराओगे तो आपका 3 डिग्री बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड से कराओगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं, सो ऑन। ये आप इजिली इनको कर सकते हो, और ये इंपॉर्टेंट, इनकी गिनती इंपॉर्टेंट में चलती है, इसलिए आप इनको जरा ध्यान से कर लीजिएगा। इसके ऊपर मैं इंपॉर्टेंट लिखे दे रहा हूँ क्योंकि ये मुझे जीआईसी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म लग रहा है। दोस्तों ये वीडियो आप अपने साथियों तक जरूर पहुंचाइए क्योंकि मुझे लगता है कि इसमें से क्वेश्चन पक्का तय है, आना ही तय है, इसलिए इस वीडियो को आप अपने दोस्तों में पहुंचा दीजिएगा, जरूर पहुंचा दीजिएगा, क्योंकि रिक्वेस्ट आपसे इसलिए कर रहा हूं कि दूसरों का भला हो। देखिए एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस, इन रिएक्शंस की मैकेनिज्म भी आपको बतानी है। मैकेनिज्म में आपको क्या है कि एल्डोल कंडेंसेशन, परकिन, कैनिजारो, ये आप मेरी मैकेनिज्म वाली वीडियो देख लीजिएगा, उसमें मैंने सभी मैकेनिज्म समझा रखे हैं, डिटेल के साथ समझा रखे हैं, तो वहां से आप मैकेनिज्म प्लेलिस्ट में जाइएगा, मैकेनिज्म की डिटेल में जाइएगा, तो वहां आपको इन रिएक्शंस की मैकेनिज्म आपको मिल जाएगी। इसके बाद हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स, देखिए ये वही टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस टॉपिक में हम लोग आगे बढ़ लेते हैं कि डिस्क्राइब द क्लासिफिकेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट। ये मैंने पूरा डिटेल में आपको समझा रखा है कि क्लासिफिकेशन कार्बोहाइड्रेट्स का कैसे करना है। डिस्कस द रिंग स्ट्रक्चर ऑफ द ग्लूकोज, ये भी मैंने समझा रखा है, रिंग स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करते हैं ग्लूकोज का, ये बात भी मैंने बता रखी है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगातार इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ क्योंकि ये है कि यहाँ पर इनके आने के चांस ज्यादा लग रहे हैं मुझे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत ही रेयरली मिल पाते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नेक्स्ट चलते हैं कि गिव द मेथड ऑफ प्रिपरेशन, गिव द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ द बेंजीन सल्फोनिक एसिड एंड डिस्क्राइब इट्स इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज। देखिए कितना अच्छा है, सिंपल क्वेश्चन है ना, तो ऐसे क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन पर तो आप लिख ही दीजिए कि ये क्वेश्चन आ सकता है जीआईसी मेन एग्जाम में, ये क्वेश्चन आ सकता है। कारण ये है कि इस पे हकल्स रूल पे लगभग क्वेश्चन आना तय है, इसलिए मैं यहाँ पर लिखे दे रहा हूँ 2022 का सैंपल पेपर। आप मान लीजिए पैटर्न ऐसा ही चलेगा, इनके एरोमेटिक हकल्स रूल कहाँ फॉलो होता कहाँ नहीं फॉलो होता है, इन पे भी मैंने वीडियोस बना रखी, तो उनको भी आप देख लीजिएगा, ध्यान से देखिएगा, एक एक क्वेश्चन आपके सामने डिस्कशन कर रहा हूँ, इसलिए समय जरूर दे देना इस वीडियो के लिए। एक्सप्लेन द फॉलोइंग गिविंग सुटेबल एग्जाम्पल्स, डायस्टीरियोमर्स क्या होते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होती है, इनेंशियोमेरिज्म क्या होती है, ये एम छप गया यहाँ पर, एन छाप लीजिए आप, इनेंशियोमर्स होता है, तो इनेंशियोमेरिज्म क्या होती है, ये सब चीजें आपको पता रहनी चाहिए। इन पे शॉर्ट नोट आप अच्छे से तैयार कर लें, लिखने की प्रैक्टिस भी कर लें, और अगर आपको लिखने में कि सर आप एक काम जरूर किया करें, लिखा करें और लिखने के बाद मुझे भेजा करें, तो मैं आपको बता दूंगा कि करेक्शन कहाँ पर होना है। जो लिख के और भेजना है वो चाहे ग्रुप पर भेज दीजिए, अदरवाइज मैं आपको अपना नंबर भी बता दे रहा हूँ, 9479473704770711, ये मेरा नंबर है, ये टेलीग्राम पर भी है और ये व्हाट्सएप पर भी है ना, तो आप चाहे टेलीग्राम पर मैसेज डाल दीजिए चाहे व्हाट्सएप पर डाल दीजिए, दोनों पर ये आपको यहाँ पर रिप्लाई आपको मिल जाएगा, दोनों पे नंबर है, टेलीग्राम पे भी है व्हाट्सएप पर भी है। तो अब आगे बढ़ देते हैं कि व्हाट इज द कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, ये कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन क्या होता है, अगर ये पेपर मिल जाए ना आपको तो हमें लगता है कि आप पूरा पेपर निचोड़ देंगे, रख के बिल्कुल दबा देंगे इसे, क्योंकि ये पेपर बहुत ही बढ़िया पेपर है और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन का एक प्रॉपर जो पैटर्न होना चाहिए, लेवल जो कहता है कि आप एक जीआईसी के टीचर बनने जा रहे हैं, आप एक पीजीटी बनने जा रहे हैं, आप डिग्री कॉलेज के प्रोफेसर नहीं बनने जा रहे हैं, इसलिए इसका जो पैटर्न है बहुत ही प्रॉपर लग रहा है मुझे कि ऐसे ही पैटर्न में अगर पेपर आता है तो शायद आपका सिलेक्शन तय है।
तो हम लोग इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंचते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। नीचे ये सिग्नल्स वाला, ये दिए गए एनएमआर आंकड़ों के अनुसार ये तो क्वेश्चन अगर हम बात करते हैं तो ये क्वेश्चन जो सिग्नल स्पेक्ट्रोस्कोपी है पीजीटी में तो है, यूपी पीजीटी में तो है, लेकिन यहाँ पर इसका डिस्कशन आपको नहीं करना है। हालांकि क्योंकि मैंने आपको बता दिया यूपीपीएससी का है तो इसमें सभी सिलेबस रहा होगा, इसीलिए यहाँ पर फिलहाल आप इस क्वेश्चन को स्किप कर दिए। लेकिन अगर आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन को तैयार आप कर लीजिए। इसके बाद इस क्वेश्चन यानी स्पेक्ट्रोस्कोपी जो एनएमआर है इसके क्वेश्चंस मैंने बताए हुए हैं, तो वहां से आप इसके एनएमआर डाटा आप कलेक्ट कर सकते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी से कर सकते हैं। बाकी आपके सामने बुकलेट कोई हो, बुक हो, उससे भी कर सकते हैं। ईजेड कॉन्फ़िगरेशन भी मैंने जल्दी वीडियो डाली थी, ये ईजेड और आरएस सिस्टम पे दोनों पे क्वेश्चन आएगा, ये भी बात अनु शर्मा की तय कर लीजिए कि यहां पर क्वेश्चन आपको मिलने की चांस है। मेरे जितने भी इम्पोर्टेंट है अभी तक को बहुत इम्पोर्टेंट एग्जाम में मदद की है बच्चों की, तो ये इम्पोर्टेंट भी मदद करेंगे। ईजेड कन्फ्यूरेशन किस में है, किस में नहीं है, किस में ई है, किस में जेड है, किस में आर कन्फ्यूरेशन है, कैसे आरएस को निकालते हैं और कैसे हम ईजेड कन्फ्यूरेशन को निकालते हैं, ये दोनों बातें आपको हमने इससे पहले जो वीडियो डाली है उसमें देख लीजिएगा, आपको प्रॉपर समझ में आ जाएगा। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं निम्नलिखित अभिक्रियाओं में संभावित उत्पादों एबीसी की संरचनाएं दर्शाते हुए अभिक्रिया पूर्ण कीजिए। चलिए यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं कि यहाँ पर क्लोरोबेंजीन है, फिर इससे रिएक्शन कराओगे, पता होना चाहिए फिनॉल बन जाएगा इस तरीके से, सोन यहाँ पर लास्ट में बेंजीन बन जाएगा। यहाँ पर देखिए क्या होता है, वो OH ग्रुप यहाँ हटा दिए, बाकी BR लगा रह जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन, ये NH2 है यहाँ पर, इन्होंने ऐसे करके लिख दिया, या ये ऐसे करके कर लीजिए, ये Br2 अधिक जल, ये सब रिएक्शन आपको ऑलरेडी पता है। यहाँ पर मैं आज कोई भी क्वेश्चन का आंसर डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये आपको पता है ऑलरेडी है कि ये कार्बिल में ये आपकी जो रीमर-टीमन रिएक्शन है ना, इस तरीके से ये रिएक्शंस आपको पता है, ऑलरेडी पता है, तो इसलिए इन पर मैं बहुत ज़्यादा जोर नहीं दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन करिएगा, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, अभी मैं इसकी आपको वीडियो भी दूंगा, लेकिन अभी स्क्रीनशॉट लेकर के इनको कंप्लीट करके मुझे सेंड करिए, पर्सनल नंबर पर सेंड करिए, मैं आपको रिप्लाई जरूर देंगे। कितने लोग आप इस पे सीरियसली वाकई पढ़ाई कर रहे हैं वो पता लग जाता है कि नहीं, खाली क्या होता है कि टाइम समय को बर्बाद करना ये एक अच्छी बात नहीं है। तो आप लोग इन क्वेश्चंस को जरा करके हमें भेजिए और चेक करवाइए कि सर देखिए क्वेश्चन सही किए हैं नहीं किए, और आपने अगर कन्फर्म है कि आप सही कर लिए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इसी तरीके से नेफ्थलीन वाला पोर्शन देखिए, मैंने यहाँ देख बताया था ना, UPPCS मेंस का केमिस्ट्री पेपर है 2014 का, देख लीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा चाहे तो। इस तरीके से ये नेफ्थलीन है, इसमें O2। अब अगर पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स आपके सिलेबस में नहीं तो इसको छोड़ दीजिएगा, और अगर फिनॉल वाला है तो उसे कर लीजिएगा। तो इस तरीके से एक आध क्वेश्चन एक्स्ट्रा होंगे, क्योंकि आपको मैंने बता दिया कहाँ से पेपर मैंने उठाया, ये आपको पता लग चुका है। एक हाइड्रोकार्बन यहाँ से पढ़ लेते हैं, हाइड्रोकार्बन ए ऑफ द मॉलिकुलर फार्मूला C6H10 ऑन रिडक्शन विद एन ए लिक्विड अमोनिया गिव्स C6H12, विच ऑन रिडक्शन विद H2NI फॉर्म C6H14C, ए ऑन ओजोनोलिसिस यील्ड अ मिक्सचर ऑफ 2 aldehyde C, बना दिए 2 aldehyde, कंपाउंड बी ऑन ऑक्सीडेशन। ये सिंपल सा क्वेश्चन, इस क्वेश्चन पैटर्न पे मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस कराए हैं, इनको इस क्वेश्चन को पहले मैं यहाँ पर लाता हूँ और इसके बाद इस पे करता हूँ टिक। इस क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से, इसमें जितनी भी ए से लेकर के एफ तक के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको बना करके दिखाइए, और बना करके दिखाने के बाद आप मुझे भेजिए, मैं आपको चेक करके बताऊंगा कि आपने स्टेप सही किए हैं गलत किए हैं। अगर कोई भाई देखिए क्या, सीखना एक ऐसी कला है जो लास्ट मोमेंट से इंसान मरते दम तक सीखता है, पूरा नहीं सीख पाता, तो इसमें कोई ऐतराज नहीं कि सर कहीं फॉल्ट हो गया तो अगर बता देंगे तो शायद बुराई भी नहीं होगी। अगर आप अपने आप को परफेक्टनेस अपने आप के अंदर लाना चाहते हैं तो फिर कमियों को भी एक्सेप्ट करना सीख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एसिटोएस्टिक एस्टर अगर एस्टर सिलेबस में है तो इसे यहाँ पर ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, लेकिन एसिटोएस्टिक एस्टर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसलिए नहीं हो पाता है क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत कम मैटर आपको दिया गया है सिलेबस के अंदर, इसलिए मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ नहीं है। अब यहाँ पर आ जाइए, ये चीज़ ठीक है, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ द साइड चेन क्लोरीनेशन ऑफ एटॉल, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए मैंने ये क्वेश्चन इसलिए स्किप किया हुआ है क्योंकि इस पे बहुत डिटेल सिलेबस के अंदर नहीं दे रखी है। ग्लूकोज फ्रक्टोज में कैसे परिवर्तित करेंगे, ये रिएक्शन भी बहुत आती है एग्जाम में, तो इस रिएक्शन पर भी आप बहुत फोकस करेंगे, ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पेज पे पहुंच लेते हैं, और नेक्स्ट पेज हमारा क्या कह रहा है वो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। नेक्स्ट पेज हमारा ये कह रहा है कि
भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए व्हाट आर द एरोमेटिक डाइजोनियम सॉल्ट, C6H5N2Cl की बात कर रहा है, डिस्क्राइब द मेथड ऑफ देयर प्रिपरेशन एंड देयर केमिकल प्रॉपर्टी, सिंपल, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्रॉपर पैटर्न पे चल रहा है पेपर, इसलिए आप इस पेपर को जरूर लगाए। देखिए उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्स C6H13 Br गिव्स अ कंपाउंड वाई ऑन हीटिंग विद एल्कोहलिक KOH व्हिच ऑन रिएक्शन विद एसिडिफाइड KNO4 प्रोड्यूसेस एन एसिड जेड बना रहा है, और एसिड जेड इज ऑप्टिकली एक्टिव। अब आपको पता लग चुका होगा कि ऑप्टिकली एक्टिव कौन सा एसिड होता है, टेल द स्ट्रक्चर ऑफ एक्स वाई जेड, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसको आपको करना। मेरे प्यारे साथियों मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं रिक्वेस्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप आगे बढ़ेंगे मुझे अच्छा लगेगा, बाकी रिक्वेस्टिंग के लिए मुझे कोई कंपल्सरी नहीं, मैं तो ऑलरेडी उस पोस्ट पे हूँ जहाँ पर आप पहुँचना चाहते हैं, इसलिए मुझे कोई टेंशन नहीं। मैं आपको टेंशन इसलिए देना चाह रहा हूँ कि नहीं सर आप भी लोग मेरी तरह वहाँ पर पहुंचे, और अगर इससे ऊंचे पहुंचे तो बहुत ही खुशी मुझे होगी। आप नेट क्वालिफाई करें, अगर नेट की तैयारी कर रहे हैं आप, असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम दें वो क्वालिफाई करें, आप साइंटिस्ट का JRF का एग्जाम दें वो क्वालिफाई करें आप, तो जो भी एग्जाम आप क्वालिफाई करें उसमें आगे बढ़े, ये मेरी ईश्वर से कामना है। लेकिन जिस एग्जाम की हम तैयारी कर रहे हैं कम से कम उसमें अपने आप को खरा जरूर उतारें। देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है आपकी स्क्रीन पर, तो इन क्वेश्चंस को आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। बेंजीन की रिएक्शन आपको करानी है, प्रोपाइल क्लोराइड से करानी है, उसके बाद सोडामाइड से करानी है, आपकी पायरिडीन की रिएक्शन है ना, इसी तरीके से दो रिएक्शन इसको शायद आप छोड़ सकते हैं क्योंकि ये पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन है और यहाँ पर शायद ये क्वेश्चन सिलेबस में नहीं है तो इसे आप छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आठवां क्वेश्चन कह रहा है कि थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी काउंटर करंट डिस्ट्रीब्यूशन की आ सकता है, काउंटर करंट डिस्ट्रीब्यूशन ये इसके बाद है, केमिकल नेचर ऑफ ये भी आ सकता है क्वेश्चन, उसके बाद डोनेंट मेम्ब्रेन इक्विलिब्रियम ये भी आ सकता है क्वेश्चन, और आपका एनालिटिक डाटा विश्लेषण टी और क्यू परीक्षण, टी एंड क्यू टेस्ट ऑफ द एनालिटिकल डाटा, ये क्वेश्चन आने की संभावना थोड़ी सी कम है क्योंकि उसके सिलेबस में ये चीज नहीं कहीं इंडिकेट कर रखी है। ओजोन होल एंड इट्स इफेक्ट ये आ सकता है क्योंकि केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में से जुड़ा हुआ क्वेश्चन बनता है। हॉफमैन्स एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन ये रिएक्शन भी आ सकती है, तो ऐसे क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना है साथियों, ये क्वेश्चन आपको जरूर कर लेना है। एक बार मैं आपको पूरा पेपर बैक में दिखाई दे रहा हूँ, इसकी पीडीएफ भी मैं लगाऊंगा लेकिन ग्रुप में दूंगा पीडीएफ, आप पहले इस पूरे पेपर को सॉल्व करिए, एक बार सॉल्व करने के बाद मुझे आप भेजिए, मैं आपके पेपर को देखूं कि वास्तव में आपने कितनी मेहनत की है, इसमें से जो क्वेश्चन आपको नहीं आएगा वो क्वेश्चन आप मुझे भेजिए, मैं उसका सॉल्यूशन आपको विदिन 2 डेज दे दूंगा, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पहले आप प्रैक्टिस करिए, एक छोटा सा टेस्ट आप भी दे दीजिए, जो सिलेबस में नहीं उसको स्किप करते चले जाइएगा, लेकिन जो सिलेबस में, जैसे ये रिएक्शन सभी सिलेबस के हैं, कोई आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, इसलिए इनको आप जरूर करिएगा, ये पोर्शन भी सिलेबस में है, कोई भी आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, इनको भी आपको जरूर करना है। तो इस तरीके से पूरा मैटर मैंने आपको प्रोवाइड करवा दिया है, ये बहुत ही अच्छा पेपर मुझे लगा इसलिए मैंने आपके सामने रखा है, तो इस पेपर को आप जरूर सॉल्व करिएगा और सॉल्व करके प्रैक्टिस भी ऐसे ही क्वेश्चंस की और कर लीजिएगा क्योंकि एग्जाम अब पास आने वाला है और इसी एग्जाम की मदद से आप अपने आप को GIC का एक अच्छा टीचर, अच्छा लेक्चरर इंडिकेट कर पाएंगे, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। और इसी के साथ ये क्वेश्चन की सीरीज अब फाइनल और फिनिश होती है, हम आपको फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक आप प्रैक्टिस कर लीजिए, इसी से मिलते जुलते क्वेश्चंस अगर आपको और कहीं मिलते हैं तो उनको भी डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर लीजिए। बहुत ज़्यादा देखिए क्या होता है, एक मेहनत होती है प्रॉपर डायरेक्शन में, एक मेहनत, लोग कहते हैं ना मैंने बहुत मेहनत की सिलेक्शन नहीं हुआ, तुमने मेहनत बहुत की है पक्की बात है लेकिन सही दिशा में तुमने मेहनत नहीं की। कुछ लोग इतना एक्स्ट्रा पढ़ लेते हैं, जैसे कि मान लो अब तुमने नेट के लेवल के क्वेश्चन सब तैयार कर डाले है ना, तो लेकिन मेहनत आपने अच्छी की, नेट का एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे लेकिन उससे नीचे लेवल आ गया तो आपको दिक्कत हो जाती है, इसलिए लेवल को थोड़ा मेंटेन करके रखिए, ना तो बहुत हाई में जाइए ना बहुत लो में जाइए, एक अच्छा लेवल जो एक GIC का होना चाहिए उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस कुछ करते रहिए, और करने के बाद आप अपने आप को कुछ 5-10 क्वेश्चन लिख करके उनके लिखने की प्रैक्टिस जरूर कर लीजिए, कितना मैटर आपको लिखना है उसके अंदर, इसमें मैंने 5-6 वीडियोज लगातार बनाई थी कि ये मैटर यहाँ पर देना चाहिए, ऐसी वीडियोज GIC वाली मैंने बहुत सारी बनाई हुई है, तो उन वीडियोज को देख करके आप देखिए कि इसमें कितना लिखना पड़ेगा, लिखने का पैटर्न, ओवर राइटिंग, कटिंग, ये सब चीजें नहीं आनी चाहिए तभी आपको नंबर प्रॉपर तरीके से मिल पाएंगे। तो इन चीजों को सबका ध्यान रखते हुए आप पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।